गुड इवनिंग स्टूडेंट इस वीडियो में आज हम लोग सबसे पहले प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम लोग स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे सो so, हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस से सी पी यू इज द प्रोसेसिंग डिवाइस विच मेक ऑल द कैलकुलेशन एंड प्रोसेसिंग डेटा इन टू इन्फॉर्मेशन सी जो है वही एकमात्र हम लोग का प्रोसेसिंग डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग जो भी डेटा डालते हैं इंसर्ट कराते हैं कंप्यूटर में उसको लेकर वो कैलकुलेट करके उस डेटा को प्रोसेस करके जो भी रिजल्ट आता है वो हम लोग को डिस्प्ले कराता है द सी पी यू इट सेल्फ इज मेड अप ऑफ थ्री कंपोनेंट्स मेनली हम लोग का जो सी है वो तीन कंपोनेंट्स से बना हुआ है जो सबसे पहला है एल यू सेकेंड एम यू एंड थर्ड सी इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इसको हम लोग ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं फर्स्ट एल यू विच इज़ अ स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एल यू परफॉर्म ऑल द अर्थमेटिकल कैलकुलेशन लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन एंड लॉजिकल ऑपरेशन सच एज एंड और ग्रेटर देन लेस देन एटसेट्रा मीन जो अर्थमेटिकल लॉजिक लॉजिक यूनिट है वो हम लोग का जो भी अर्थमेटिकल कैलकुलेशन होता है वो सारा तरह का कैलकुलेशन इसके अंदर ही होता है ठीक नेक्स्ट कंट्रोल यूनिट सी यू स्टैंड फॉर अ कंट्रोल यूनिट द कंट्रोल यूनिट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर जो माइक्रो प्रोसेसर का है वो कंट्रोल यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेसिकली दर्किट इन साइड द सी पी यू इन साइड द सी पी यू जो भी सर्किट इन रहता है सी पी यू के अंदर उसमें से सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट जो माइक्रो प्रोसेसर का है वो है कंट्रोल यूनिट इट कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशन इन साइड द सी पी यू जितना भी सी पी यू के अंदर ऑपरेशन होता है वो कंट्रोल यूनिट के थ्रू ही हो पाता है जो भी इंस्ट्रक्शन रहता है उसको लेकर वो परफॉर्म करके हम लोग को रिज़ल्ट शो so कराता है नेक्स्ट है हम लोग का मेमोरी यूनिट मीन्स एम यू मेमोरी यूनिट इज़ द स्टोर रूम ऑफ द कंप्यूटर ये कंप्यूटर का एक स्टोर रूम है ऑल द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर टेम्प्रोरी और परमानेंटली इन टू द कंप्यूटर यहाँ पे हम लोग का जो भी इंस्ट्रक्शन रहता है जो भी डेटा रहता है वो हम लोग का इसमें टेम्प्रोरी भी स्टोर हो सकता है और परमानेंटली भी स्टोर हो सकता है क्योंकि यहाँ पे हम लोग का दो तरह का मेमोरी होता है एक प्राइमरी मेमोरी होता है एक सेकेंडरी मेमोरी होता है इट इज़ ऑफ टू टाइप प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी में हम लोग का डेटा स्टोर नहीं हो पाता है टेम्प्रोरी डेटा स्टोर होता है और प्राइमरी मेमोरी में हम लोग का ये परमानेंटली स्टोर रहता है जैसे इस पिक्चर में देखो यहाँ पे सबसे पहले जब भी हम लोग इनपुट देते हैं कोई भी इनपुट डिवाइस के थ्रू तो वो हम लोग का सी में जाता है तो सी में जाने के बाद हम लोग को प्राइमरी मेमोरी में वो स्टोर होगा अगर वो चाहे तो सेकेंडरी मेमोरी में भी स्टोर करा सकता है अगर नहीं चाहे तो वो प्राइमरी मेमोरी में ही रहेगा फिर उसके बाद कंट्रोल यूनिट है उस डेटा को फैच करेगा निकालेगा इस प्राइमरी मेमोरी से और उसको उस पर देखेगा कि क्या काम के लिए वो डेटा आया है उसके पास और फिर जो काम रहेगा अगर अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट रहेगा उसमें कुछ भी कैलकुलेशन अगर रहेगा तो वो ए एल को भेजेगा वो एल कैलकुलेट करेगा उस डेटा को और फिर से वो प्राइमरी मेमोरी को दे देगा अगर प्राइमरी मेमोरी चाहता है उसको सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कराना है तो वो वहाँ पर भेजेगा और नहीं तो वो फिर आउटपुट करा देगा उस रिजल्ट का जो भी आउटपुट होना चाहिए उस कैलकुलेशन का उस डेटा का ठीक तो ये तो टोटल हम लोग का कंप्यूटर डायग्राम हुआ सीपीयू का ठीक कैसे हम लोग का प्रोसेस होता है कोई भी डेटा अगर इंसर्ट होता है और कैसे आउटपुट होता है वहाँ से नेक्स्ट है हम लोग का आउटपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस आर यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग द प्रोसेस प्रोसेस वैल्यू फ्रॉम द कंप्यूटर ये जो एक्सट्रैक्ट करता है जो भी हम लोग का जो भी परफॉर्म और जो भी हम लोग का डेटा कैलकुलेट हुआ जो भी रिजल्ट दिया उसको वो प्रोसेस करके हम लोग को आउटपुट देता है किसके थ्रू आउटपुट डिवाइस के थ्रू दिस डिवाइस आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिक्स ऑफ देयर कोस्ट एंड स्पीड और ये हम लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं कितना किस टाइप का हम लोग का आउटपुट डिवाइस चाहिए एज वेल एज द फॉर्म इन विच आउटपुट इज रिक्वायर्ड किस तरह का हम लोग का रिक्वायर्ड है आउटपुट डिवाइस का उस तरह का आउटपुट डिवाइस हम लोग ले सकते हैं दिस डिवाइस कन्वर्ट मशीन रीडेबल इंफॉर्मेशन इंटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म मीन्स जो मशीन जो आउटपुट डिवाइस है वो मशीन लैंग्वेज को हम लोग का ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देता है ठीक टू कॉमन आउटपुट डिवाइस आर मोनीटर एंड प्रिंटर दो कॉमन आउटपुट डिवाइस है जो हम लोग जानते हैं मोनीटर और प्रिंटर सम आउटपुट डिवाइस आर गिवेन बिलो कुछ आउटपुट डिवाइस हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे तो सबसे पहला आउटपुट डिवाइस है वो प्लॉटर है मतलब प्लॉटर इज़ द प्रिंटर ये भी एक तरह का प्लॉटर जो है वो प्रिंटर है डैट इंटरप्रेट कमांड्स फ्रॉम द कंप्यूटर टू मेक लाइन्स ड्रॉ ऑन अ पेपर और ये इंटरप्रेटर कमांड्स के थ्रू वो डेटा को निकालता है कंप्यूटर के थ्रू और वो फिर पेपर में ड्रॉ करता है उस डेटा को उस इंफॉर्मेशन को सच है कंस्ट्रक्शन मैप अगर कोई कंस्ट्रक्शन मैप हो ड्रॉ कराना है तो करा इस प्लाटर के थ्रू ही हम लोग ड्रॉ करा सकते हैं चाहे कोई इंजीनियरिंग ड्राॅइंग हो उस ड्राॅइंग को हम लोग इस प्लाटर के थ्रू ड्रॉ करा सकते हैं इट कैन ड्रॉ कंटिन्यूस पॉइंट टू पॉइंट लाइन डायरेक्टली फ्रॉम वैक्टर ग्राफिक फाइल और कमांड और ये पॉइंट टू पॉइंट लाइन ड्रॉ करता है और कोई वैक्टर ग्राफिक फाइल रहे उसको भी वो कमांड के थ्रू ड्रॉ कर सकता है प्लॉटर कंसिस्ट ऑफ द थ्री टाइप हम लोग टोटल थ्री टाइप का पढ़ेंगे प्लॉटर इस चैप्टर में तो सबसे पहला है ड्रम प्लॉटर ड्रम प्लॉटर नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें अगर कोई रोलर होगा रोलर में ही ये पेपर जाएगा रोल होकर और उसमें ड्रॉ होकर बाहर निकलेगा पेपर तो सबसे पहला है लाइन ड्रम प्लॉटर ड्रो वन ऑन पेपर रैप्ड अराउंड द ड्रम ये पेपर जो रहता है वो रैप रहेगा ड्रम के अराउंड विच टर्न्स द टर्न्स टू प्रोड्यूस वन डायरेक्शन ऑफ द प्लॉटर और वो जो ड्रम रहेगा वो एक डायरेक्शन डायरेक्शन में ही वो मूव करेगा वाइल द पेन मूव्स द प्रोवाइडेड द अदर डायरेक्शन और वो पेन मूव कर कर करके उस पेपर में ड्रॉ करेगा तो ये हम लोग का ड्रम प्लॉटर हुआ नेक्स्ट है फ्लैटविट प्लॉटर फ्लैटब्लिट में मीन्स भी समझ में आएगा ये एक पेपर जो है वो एक फ्लैट में प्लेन लोके प्लेस पे वो रहेगा और उस पर ड्रॉ होगा जो भी ड्रॉ हो डेटा होना चाहिए और फ्लैग बिट प्लॉटर ड्रो ऑन पेपर प्लेस ऑन द फ्लैट सर्फेस फ्लैट सर्फेस पर वो पेपर रहेगा और उसी पर वो जो भी डेटा रहेगा वो उस पर ड्रॉ होगा यहाँ पर हम लोग का नेगेटिव चार्ज पेपर होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज ट्रॉनर के थ्रू यहाँ पर ड्रॉ होता है नेक्स्ट हम लोग का इंक जैक प्लॉटर होता है नेक्स्ट एन इमेज कैन बी क्रिएटेड बाय स्प्रिइंग अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द पेपर और यहाँ पे जब ड्रॉ करना है इस प्लॉटर के थ्रू तो यहाँ पे हम लोग इंक के थ्रू ड्रॉ होता है मतलब वहाँ पे हम लोग टोनर यूज़ करते थे ड्रॉ करने के लिए मीन्स पाउडर के फॉर्म में वो रहेगा और यहाँ पे हम लोग का इंक के फॉर्म में रह के वो जो भी डेटा रहेगा वो यहाँ से हम लोग ये प्लॉटर के थ्रू प्रिंट होता है नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस है वो एल प्रोजेक्टर है एल सी डी एल सी डी प्रोजेक्टर इज़ यूज़ टू डिस्प्ले एन इमेज फ्राम द कम्प्यूटर इंटू अन् टू अ लार्ज वॉल और मूव मूवी इस्क्रीन जो हम लोग का ये एल सी डी प्रोजेक्टर है वो हम लोग का डेटा लेता है कंप्यूटर से और हम लोग को वो एक वॉल में डिस्प्ले करा सकते हैं या फिर मूवी स्क्रीन में जो प्रो प्रोजेक्टर यूज़ करते हैं वही प्रोजेक्टर है जो हम लोग का आउटपुट देता है इट इज़ मेनली यूज इन ऑर्गेनाइज फॉर डिस्प्लेइंग प्रजेंटेशन ये हम लोग का प्रजेंटेशन दिखाने के लिए भी यूज हो सकता है होता है और एल सी डी प्रोजेक्टर हैव थ्री स्मॉल स्प्रेड एल सी डी स्क्रीन रेड ग्रीन और ब्लू इस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्टर के थ्रू हम लोग का तीन लाइट निकलता है ये रेड ग्रीन और ब्लू और इसी तीनों कलर को मिक्स करके हम लोग का पूरा डिस्प्ले फॉर्म करता है द साइन विल बी ब्राइट लाइट टू जनरेट द इमेज और इसी लाइट के थ्रू हम लोग का सारा इमेज डिस्प्ले और क्रिएट करता है नेक्स्ट हम लोग का आउटपुट डिवाइस वो साउंड कार्ड है मीन्स स्पीकर साउंड कार्ड इज़ अ ऑडियो कार्ड ऑन एन एक्सप्रेशन कार्ड और इंटीग्रेटेड सर्किट इसको आईसी भी बोल सकते हैं और एक्सप्रेशन कार्ड भी बोल सकते हैं डैट प्रोवाइड द कंप्यूटर विद द एबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड डैट कैन बी हियर्ड बाई द यूजिंग आईदर अ स्पीकर और हेडफोन और इस साउंड क्रिएट करने में ये आई सी हम लोग को मदद कराता है और हम लोग इस साउंड को स्पीकर या हेडफोन के थ्रू सुन सकते हैं नेक्स्ट हम लोग का स्टोरेज डिवाइस इस्टोरेज डिवाइस आर यूज़ टू स्टोर द डेटा एंड इंफॉर्मेशन सेफली ये हम लोग का डेटा को स्टोर करता है ठीक फर्स्ट स्टोरेज डिवाइस वो हम लोग का मेमोरी है Uh, nee, sorry uh, first huh? memory is a physical device which store data or information on a temporary or a permanently basic basis बेसिस द आर द टू टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरीज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी हम लोग का जो मेमोरी होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है एक प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी होता है मीन्स एक कोई टेम्प्रोरी स्टोर हो सकता है और परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं कोई भी डेटा को तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग सेकेंडरी मेमोरी तो फर्स्ट प्राइमरी प्राइमरी मेमोरी इज़ कॉल्ड द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी भी बोलते हैं कंप्यूटर का इट स्टोर डेटा वैन द कंप्यूटर इज़ इन ऑपरेशन जब भी कंप्यूटर का कोई भी ऑपरेशन हो रहा है तो हम लोग रैम और रोम दो तरह का मेमोरी को यूज़ करके यूज़ करते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए और ऑपरेट करने के लिए तो सबसे पहले दो तरह का हम लोग का प्राइमरी मेमोरी होता है वो है रैम और रोम तो रैम जो है रैम इज़ द वालाटाइल मेमोरी ये हम लोग का वोलाटाइल मेमोरी होता है इट इज़ बहुत रीडेबल एंड राइटेबल मेमोरी इसमें हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं इस मेमोरी में यू विल लॉस योर डेटा इफ़ द पावर सप्लाईज़ गोज ऑफ़ और जब भी पावर सप्लाई ऑफ होता है तो इसमें जो भी रैम में डेटा रहेगा वो इरेज हो जाता है ख़त्म हो जाता है ठीक नेक्स्ट हम लोग का रोम रोम इज़ स्टैंड फॉर रीड वनली मेमोरी रोम इज़ ओनली रीडेबल मेमोरी ये हम लोग का सिर्फ रीडेबल होगा राइटेबल मेमोरी नहीं होगा द डेटा कैन नेवर बी लॉस्ट इवन इफ द पावर सप्लाईज गोज़ ऑफ और जब भी मेमो ये पावर ऑफ होगा तो इसमें का डेटा कभी भी इरेज नहीं होगा लॉस नहीं होगा हम लोग को डैट्स वाई इट इज़ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी और इसीलिए हम लोग इसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी बोलते हैं जैसे एग्जाम्पल हम लोग का बुटेबल फाइल जो रहता है जो हम लोग स्टार्ट करते हैं कभी भी कंप्यूटर को तो वो बूट होता है तो वो फ़ाइल हम लोग का रॉम में ही रहता है ठीक नेक्स्ट हम लोग का सेकेंडरी सेकेंड्री मेमोरी है सेकेंडरी मेमोरी प्रोवाइड बैकअप स्टोरेज टोड डेटा एंड uh, इंस्ट्रक्शन इसमें भी हम लोग का डेटा इस्टोर रहता है इंस्ट्रक्शन स्टोर रहता है इट स्टोर द डेटा परमानेंटली अनलेस इट्स कैन नॉट बी इरेज और ये हम लोग का इरेज नहीं होता है अपने आप कभी इरेज नहीं होगा अगर हम लोग डिलीट करना चाहें तभी यह डिलीट हो सकता है और अपने मन से ये डिलीट कभी नहीं होगा ठीक इट इज़ द स्लोएस्ट एंड चीपेस्ट फ्राम द मेमोरी ये स्लोएस्ट रहता है थोड़ा सा क्योंकि इसमें ज़्यादा स्पेस ऑकोपाई ज़्यादा स्पेस रहता है और इसमें हम लोग ज़्यादा डेटा को स्टोर कर सकते हैं इसलिए ये थोड़ा स्लो रहता है और थोड़ा सा कम दाम में भी मिलता है चीपेस्ट मेमोरी रहता है इट कैन नॉट बी प्रोसेस डायरेक्टली बाई द सी पी यू एंड इट इज़ कॉल्ड अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी और इसको नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं और ये सी पी यू से डायरेक्ट परफॉर्म नहीं होता है ये तो क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी है इसलिए और इसको हम लोग नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे देखो हार्ड डिस्क इस तरह का होता है पेन ड्राइव इस तरह का होता है हार्ड डिस्क एंड पेन ड्राइव डीवीडी फ्लॉपी डिस्क आर सम सेकेंडरी मेमोरी यहाँ पे जितना भी दिख रहा है ये सारा हम लोग का सेकेंडरी मेमोरी है ठीक नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेमोरी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दैट्स ऑल